आगामी खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को खकनार में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं इस दौरान वो प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आए। जिस बेटे का, जिस बाप का बेटा बेरोजगार था, जिस परिवार में दो दो बेटे काम नहीं था, उन्होंने मोदी पे भरोसा किया और कहा कि मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा। अभी भारत सरकार के सेंसेक्स बताते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बढ़ गए। फिर सवाल करे नहीं करे देश की जनता, देश की जनता सवाल करे कि नहीं, मोदी जी आपने तो कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, उस समय जितनी थी उससे दोगुनी, अब उस समय जितनी थी उससे आधी हो गई, दोषी कौन? मोदी जी आप ये देश को क्यों नहीं बताते? शिवराज सिंह चौहान साहब लेके चले गए, इससे पहले आपकी अपनी विधानसभा के भी विधायक यहां से गई थी, तो दोनों ने एक बात एक जैसी कही। आदरणीय सचिन भैया ने भी एक बात जो बयान दिया वो एक ही दिया, और आदरणीय यहां से हमारी कांग्रेस के पूर्व विधायक थी, अभी बीजेपी की विधायक है, उन्होंने भी एक ही बात कही, मैं बिका नहीं हूं, मैं बिकी नहीं हूं, यही बोला था। और क्यों गए फिर बिके नहीं हो तो कहा विकास के लिए, ताई के लिए गए क्षेत्र के विकास के लिए, जनता से बड़ी आशा। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो परिवार के लोग बीजेपी का काम करते हैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मैं जब तक आदरणीय पूर्व सांसद चौहान साहब थे तब तक कद्दावर नेता था, जैसे ही वो ईश्वर को प्राप्त हुए उनके बेटे को मक्खी से जैसा निकाल के फेंक दिया, फेंका नहीं फेंका, जोबज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खून से सींची जिस पार्टी को, उनको एक को टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? कांग्रेस से आयातित करके ले गए सुलोचना रावत को, उसको मिला। पृथ्वीपुर अभी चुनाव हो रहा है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला, सपा के कार्यकर्ता। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो वादे किए उसके विपरीत काम किया। इनका अहंकार कैसा है रावण से बड़ा कि ये कहते हैं एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक खरीद रहे हैं, कोर्ट शराब और पैसे का इतना बड़ा खेल दूसरी जगह दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो अभी खंडवा लोकसभा में चल रहा है। शिवराज सिंह जी की गत क्या है? कभी दाढ़ी बनाते हैं, कभी जान मंजीरे बजाते हैं, कभी गाना गाते हैं, कभी भजन गाते हैं, और कमलनाथ के साथ डर कितना, रोज कमलनाथ जी को बिना काम से कोसते हैं, ये नहीं बताते कि मैंने सरकार क्यों बदली थी, क्यों खरीदे थे, मोदी जी ने मुझे क्यों कहा, ये भी नहीं बताते कि विधायक बार बार मैं लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहा हूँ, मैंने जो कहा था किसानों का कर्ज माफ करने का वो नहीं किया, कोविड में इतने लोग मर गए, अव्यवस्थाएं हुई, इसके लिए दोषी कौन है, ये सब बातें नहीं करते। बातें करते हैं इधर उधर की, जनता देख रही है सबक सिखाएगी। हर्षवर्धन जी बयान दिया है कि राहुल गांधी जी नोट में फटी गड्डी में नोट है, फटा नोट है गड्डी में, फटा हुआ नोट है राहुल गांधी जी। हर्षवर्धन जी कौन? नंदू भैया के पुत्र। अच्छा, नंदू भैया के, वो नंदू भैया के पुत्र है, नंदू भैया अभी दिवंगत है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। खकनार से उमेश मावसकर की रिपोर्ट।